أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين उस्लातलम अला रसूल नबी लामीन वाल आलि वसहा बहीवाजिह वसलम तस्लिमन कसीराम वाऊद बिल्ल समील आलिमिनतरजीम मिन हमज़ हैं वनफ़तीफ़ बसमीम वर्फ़ादकर तमफ़ा महतरम हादरीन मजलिस पलमाई क्राम अत कराम, कराम बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों और, और पर्दा नशी ख़वा इस्लाम आज का ये प्रोग्राम इसमें जो मुझे जिस मौत के तहत गुफ्तु करनी है जैसा कि आपने सुना हज की हिकमतें, आदाब और चन् नसीहतें इस्लाम का पाँचवा अहम रुकन जिसके मतलक आज का ये प्रोग्राम तय हुआ है इसे इसे जो है मजमूल इबादत कहा जाता है ये कई इबादतों का मजमू है नमाज क़ौली फ़ैली इबादतों का मजमू है ज़क़़़़़ सिर्फ़ माली इबादत हैं लेकिन हज इसको यह हसीियत हासिल है कि ये क़ौली फ़ैली बदनी माली क़लबी लसानी इन तमाम इबादतों से मुरक्कब है और देखिए हज का जो मंज़र होता है जिसको भी अल्लाह ताला ने हज नसीब फरमाया है वो जानते हैं अल्लाह हम तमाम के हज को कबूल फ़रमाए जिन्होंने अदा किया है जो इस साल जा रहे हैं अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाएँ और जो नहीं जा सके अब तक अल्लाह उनको भी हज मबरूर नसीब फ़रमाएँ अल्लाम आमीन तो हज का जो मंज़र होता है कैफियत के अतबार से बड़ा ईमान परवर तखवाश्यार होता है जो ज़हन की हज़ूरी का जो है बाइस होता है और वह पुरकैफ़ मंज़र, व ईमानी मंज़र, के सिर्फ़ लब्ब की सदा सुनकर जो है हर मुसलमान का ईमान जाग जाता है कुरान हदीस के नसूस क़ुरान हदीस के दलाइल पर अगर हम गौर करें बहुत सारी हमतें बहुत सारे मकासद का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहदी से मुबारका में फरमाया चंद अहम बातें जो हैं आज के इस दर्स में इस खिताब में मैं जिक्र करने की कोशिश करूँगा बहुत सारी हमत ने ज़िक्र की सबसे बड़ी हमत सबसे बड़ा अजीम जो मकसद है हज का तोहद की पुख्तगीद तो जिसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम में यही अव्वल वाजिब है आखिर वाजिब अफसोस होता है कि बहुत सारे लोग तारीख गवाह हैं उस्ताद मोहतरम शेख मोहतरम ने अभी हज की तारीख़ उसकी तरफ़ इशारा किया हज कब से शुरू हुआ है आज तक उसका सिलसिला जारी है और तामत रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहे तो अजीम जो दर्स अल्लाह ताला ने दिया है अजीम जो इसकी हमत और मकसद अल्लाह ने बताया है तो को पहचानना है बड़ा ताज्जुब होगा और अफसोस हम करेंगे उस मुसलमान पर जो तोहहीद के मरकज़ को जाकर भी जो है तोहद को सीख करना है काबतुल्ला को देखना उस ईमानी पुरकैफ मंज़र जिसकी तरह मैंने अभी इशारा किया उसको देख कर वहाँ की जो इबादतें वहाँ इबादत गुजार लोगों की, की कैफियात उनके अफ़ाल व अकवाल को देख कर उनके अखलाक को देख कर भी अगर कोई इस्लाम को ना पहचाने अपने रब को ना पहचाने तो बड़ा अफ़सोस है उस मुसलमान पर इब्राहीम सलाम को जब अल्लाह ताला ने काबत बनाने का हुक्म दिया था अल्लाह ताला ने यही कहा था अल्लाह ने फरमाया वली इब्राहिम मख्या अल्बैत अल्लाह तुश्रक बी शै शर्क से अल्लाह ने मना किया इस घर को बनाने का हुक्म अल्लाह ने इसीलिए दिया था कि तोहद तोहद की बुनियादें सिर्फ़ इस घर की बुनियाद नहीं बल्कि तोहद की बुनियादों को अमलन और क़ौन जो है इस पर चलना भी था और तमाम को इसका पैगाम देना भी था और क़ियामत तक जब तक ये काबा मौजूद रहेगा ये इबादतें अज़ीम इबादतें जो उससे मिली हुई हैं ये जो है ईमान तोहेद का दर्स देती हैं इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं चूँकि वक्त मेरा कम बहुत कम है बहुत सारी बातें बताना है इशारा मैं करूँगा दूसरा अजीम मकसद ये है कि हम इतबा सुन्नत का जज्बा अपने अंदर पैदा करें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दुनिया में इसीलिए भेजा था कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसे इबादत करना है अल्लाह की इबादत कैसे करनी है अखलाख व मामलात हों और दीगर जो हक़ूक़ मामलात, तमाम बातें अखलाख आदाब को कैसे अंजाम देना है तमाम बातें अमली तौर से प्यारे नबी सल्ल्य वसम ने हमें बताया है सिखाया है और प्यारे नबी वसम ने जो अपना पहला और आखिरी हज किया बारह अल्लाह के नबी सल्लम ये कह रहे थे ख़ुद अन् मनासिकुम खुद अन्नी मनासिकुम है लोगों मुझसे हज के तरीक़े सीख लो हज के अहकाम सीख लो और साहबा ने जो है इस पर अमल किया प्यारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम की हर क़ौलम में हर इबादत बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलों में सहाबा ने इतबा सुनत पर जो है अमल किया उस पर अपनी पूरी मुकम्मल ज़िंदगी गुजारी हम और आपको चाहिए कि इस अदीम इबादत अंजाम देने के सिलसिले में एक एक छोटे रुकन शराइ आपने सुने हज के आदाब कुछ मैं बताऊँगा और दीगर जो मसाइल हैं हज के बुनियादी श्वूत हैं आदाब अरकान वगैरह इन तमाम बातों में उम्र का भी जो मुकम्मल तरीक़ा आप सुनेंगे इन तमाम चीज़ों में बल्कि ज़िंदगी के तमाम मामलों में इबादतों में प्यारे नबी वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी वाजिब नमाज हमारी कबूल नहीं होगी जब तक हमारी नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ना हो आपने नमाज़ पढ़ के भी बताई मिंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ का तरीक़ा सहाबा को सिखाया सल्लु खमा रही तुमुनी वली कहा और हज के बारे में आपने सुना खुद वन्नी मनासी को गुम कहा प्यारे नबी नबीम हज के तरीक़े सीख लूँ इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था इसी तरह जो अहम मकासद हैं आखिरत की याद दहानी आखिरत की तैयारी अल्लाह ताली ने इस अदीम इबादत हज को अंजाम देने के सिलसिले में और ख़ास तौर से देखिए हज के हर अमल पर गौर करें खास तौर से वुूफ़ अरफा अरफा के मैदान में जमा होना जहाँ तमाम हाजियों का इकट्ठा होना ज़रूरी अल हज व शेख महतरम ने भी इशारा किया इसकी तरफ असल हज का जिन जो है अरफा में वूफ़ करना ही अजीम रुकन है हज का और वहाँ पर खड़े होकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमत आलि रोया करते थे खितार रोया करते थे जब उनसे पूछा गया तो कहा मुझे हशर का मैदान याद आता है अहराम की दो चादरें इससे कफ़न याद आता है और ये मंजर देख कर हशर का मैदान मुझे याद आता है खितार आप रोते थे हशर का मैदान भी ऐसे ही होगा कुछ तो आखिरत की याद अल्लाह ने दिलाई और अल्लाह ताला ने जहाँ ये कहा तजवदु व तज़वैर तकवाशा इख्तियार करो और सबसे बेहतरीन ज़ाद राह क्या है तकवा है अमामा इब्ने क़ीम रहमतुल्लाह आलि ने कहा यहाँ इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने दो ज़ाद का जिक्र किया एक ज़ाद दुनिया का और एक ज़ाद आखिराम हु ज़ाद को अल्लाह ताला ने इस बात का हुक्म दिया कि ज़ाद राह लेकर कर निकलें जो भी अखराज हैं जो भी शुरू से आखिर घर से निकलने तक लेकर फिर वापसी तक जो भी अखराजा हैं वो तमाम ज़िम्मेदारी हैं बड़ी ज़िम्मेदारी हैं कि उसका ख़्याल रखा जाए हती कि अहलआयाल का भी खाने पीने का और जो ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं सरपरस पर निगरान पर वो तमाम चीज़ों का अहतमाम करना ज़रूरी है वहीं पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि हम ज़ाद आखिरत की भी तैयारी करें और सबसे बेहतरीन क्या कहा अल्लाह ने तखवा इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म दिया इस्लाम की बेशुमार इबादतें हैं जिसका बुनियादी मकसद अभी रम़ान हमसे रुखसत हुआ शवाल भी रुख़त हुआ रमज़ान की अभी अज़ीम इबादत रोज़े का मकसद भी अल्लाह ने यही बताया ग तुन हज के जो मुख्तलिफ़ शायर हैं उसकी तादीम के बारे में भी अल्लाह ने कहा शाह हम तकुललूब इस तरह बेशुमार इबादतें हम जो लिबास पहनते हैं ये कोई माने नहीं रखता दिल की सफाई दिल साफ हो बानी सफाई का अहतमाम दिल में अल्लाह का डर हो ये सबसे बेहतरीन लिबास व लिबास तखवा का ख़ैर इसी तरह देखिए हज के जो बहुत सारी हमतें हैं मकासद जिसका ने ज़िक्र किया है एक अहम दर्स इतिहाद और मसावत का दर्स वैसे तो अल्लाह ताली ने तमाम मुसलमानों को तमाम मोमिन बंदों को अल्लाह ने कहा व तस्म बेहब जमिया वाला तफर रखो इतिहाद का दर्स दिया अल्लाह ने कुरान हदीस को मजबूती थे थाम ने उस पर अमल करने का हुक्म दिया ज़िंदगी में एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का अल्लाह ने हुक्म दिया और अमलन जहाँ नमाज में इतिहाद का दर्स है रोज़े में इतहा का दर्स है ज़क़़त की अदायगी इज्तमाही शक्ल में हो तो उसमें इतिहाद का दर्स है हज जैसे शान इबादत के अंजाम दही में जो है इतिहाद और मसाव का दर्स अल्लाह ने दिया इतिहाद का अजीम दरस अल्लाह ने दिया है अफसोस होता है आज उन तमाम ज़िम्मेदारों पर हुक्मरानों पर इनफरादी हैसियत से कहें इज्तमाहीसियत से कहें हज पे हज लोग करते हैं लेकिन ये अदीम हमतें मखाशद को भूल जाते हैं जो अजीम दर्श और जो अज़ीम पैगाम हमें अमन लेना है उससे जो है कोई जिसे कहते हैं सलफ़ ने भी कहा हज तो एक जम गफफ़ीर करता है लेकिन सही इबादत और सही इसके अदीम फ़ायदे उसकी जो फजीलतें अगला किताब आप सुनेंगे उसमें उसके अजीम जो फ़ायदे हैं फजीलतें हैं उसको बहुत कम लोग ही हासिल करके लौटते ज़िंदगी में तब्दीली आना चाहिए इनकलाब आना चाहिए इनकलाब सिर्फ दुनियावी अमूर में आता है दीनी उमूर में आखिरत की तैयारी के सिलसिले में अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में तस्की नफ्स का मसला हो दीगर जिम्मेदारियों का एहसास जवाबदही का एहसास ये तमाम बातें जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ यह अजीम दर्स है जो इस अज़ीम इबादत में अल्लाह ताला ने रखे हैं इसी तरह एक अजीम मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र को बुलंद करना सूरह बकरा में अल्लाह ने कई मरतबा इसका हुक्म दिया अल्लाह ने जब अरफा से अरफा से लौटे अल्लाह ने इसका बात का हुक्म दिया कि हम अल्लाह का ज़िक्र करें रमी जिमार का मकसद तवाफ़ का मकसद सफ़ा मरवा की सई का मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही का जिक्रुल्लाह अल्लाह के जिक्र को बुलंद करना है अल्लाह का जिक्र जि अब ला, रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुआ रूहुल हज व मकसूद हो व लुब्बुहु कहते हैं अल्लाह का ज़िक्र ही सबसे अजीम मकसद है हज का उसकी रूह है और उसका लब लबाब है इसी तरह जो अजीम मकासिद हैं हज के इस्लामी भाईचारगी के रिश्ते को फ़रो देना है देखिए दुनिया के मुख्त किनारों से गोशों से मुख्तलिफ शक्ल सूरत में कि मुसलमान एक ही लिबास में वहाँ जमा होते हैं एक आलमी इज्तम है आलमी कानफ्रेंस जो पुरान होती है सलामती से जो है माशाल्लाह ये अज़ीम इबादत लाखों में लोग जो है जमा होना और पुरामन तरीक़े से जो है इस फरीद हज को अदा करना कोई मामूली बात नहीं आज दुनिया के लिए चैलेंज है वो लोग जो अपने अपने मजाहब की को फ़र देना चाहते हैं इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसी आलमी और पुरामन कॉन्फ्रेंस कायम करके बताएं जहाँ पर हज़ारों नहीं लाखों लोग जो हैं अपनी इस इसमें हज में कितनी मशक्कतें हैं परेशानियाँ हैं अल्लाह अकबर औरतों का जिहाद करार दिया गया हज को औरतों के लिए जिहाद करार दिया गया है कोई मामूली बात नहीं तो देखिए इस्लामी भाईचारगी के रिश्ते को वहाँ एक इज्तमा होता है एक लिखा एक मुलाकात का मौक़ा अल्लाह देता है बड़े बड़े लोग जमा होते हैं ऐसे ऐसे इस्लामी शख्सियत, शख्सियातमा बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं उनसे मिलने का एक मौक़ा भाईचारगी के रिश्ते को फ़रोग देने का एक अदीम मौक़ा होता है इसी तरह आजजी इनके सारी का इज़हार हज में जो तरीक़ा है हज का अहराम बांधने का अहराम के दो चादरें और पूरा तरीक़ा हज का जो अभी उम्र का तरीक़ा है हज का मुकम्मल तरीक़ा जो बताया जाएगा और जो लोग जानते हैं हज का तरीक़ा उसमें जो है मुकम्मल वो इबादतें जिस तरह अंजाम देना है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीक़े जिस आजिज़ी इनके सारी के साथ इस अजीम फरीदे को अंजाम दिया ये अजीम पैगाम है इबादत करके हमारे अंदर फ़ख्र गुरूर तकबर नहीं आना चाहिए हम अल्लाह के लिए इबादत करते हैं अल्लाह के लिए रियाकारी नहीं आना चाहिए दिखावा जैसी चीज़ें हमारे अंदर नहीं आना चाहिए इसी तरह बुरे अखलाक से रोकना है हज में जो अदीम हिकमतें और मखाशद पोशीदा हैं सब्र का इम्तिहान है एक हाजी के लिए सब्र का बहुत बड़ा सब्र का इम्तिहान। आज जितनी सहूलतें कदीम ज़माने में बड़ी मशक्क़तें थी आज फिर भी सहूलतें होने के बावजूद भी आज भी बड़ी मशक्क़तें उठानी पड़ती तो वहाँ सब्र का इम्तिहान भी है मकसूद है इसी तरह जो है अच्छे अखलाक का मुजाहरा और बुरे अखलाक़ से बचाना है भला रफत वला फसो वला जिदाला इस आयत करीमा में अल्लाह ने इसी तरह इशारा किया है बहुत सारे नौजवान अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं हजर असवद को बोसा देने में और दीगर कुछ आगे आप सुनेंगे कैसे लोगों पर जुल्म होता है वहाँ पर भी मर्द तो मर्द कुछ औरतें भी इतनी ज़रूरतमंद होती हैं इख्तलात मर्द वजन का इख्तलात होता है मर्दों के साथ इख्तलात होता है नवज़ भी दाली अल्लाह के घर में उस अज़ीम घर में जाकर भी अल्लाह का डर नहीं अच्छे अखलाक का मुदाहरा नहीं अफसोस की बात यह मकसद है कि अच्छे अखलाक ज़िंदगी के हर मामले में अच्छे अखलाक अखलाक से इंसान पहचाना जाता है इबादतें करने वाले बहुत हैं इल्म रखने वाले बहुत सारे लोग हैं डिग्रियां हासिल करने वाले लेकिन जो असल चीज़ है इल का तकादा बुनियादी है अमली ज़िंदगी हमारी बेहतर हो अखलाक अच्छे अखलाक के पैकर हों इस्लाम की दावत जो फैली है इस्लाम जो दुनिया में फैला है अखलाक की बुनियाद पर दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं इसी तरह देखिए जो दूसरा हमारा जो दूसरा नुकता है जिस पर मुझे बात करनी है आदाब हज और कुछ नसीहतें इस सिलसिले में बहुत सारी बातें कुछ मुशरक बातें थीं और कुछ जो है अलग से कुछ आदाब की शकल में नसीहतों के शक्ल में कुछ नसीहतें किबार बारा ने की हैं वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ पहली चीज़ इखलास से नीयत इस अदीम इबादत के लिए हम जा रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी उनकी कट गई इंतजार में एक एक पैसा खूनों पसीना उन्होंने बहाया गर्मी सर्दी को बर्दाश्त किया हलाल पैसे जमा करना आज मामला कुछ और है मामला आज कुछ और है हराम के सिलसिले में अल्लाह की पनाह जिन्होंने वाकई हज किया या हज की तमन्ना दिल में रखते हैं ख्वाहिश वो हज जिसको हज मबरूर कहा गया हज मकबूल कहा गया उसके लिए बड़ी मेहनत करना है मुझे और आपको बड़ी कोशिश करना है सिर्फ ख्वाहिश करने से ये शदतें नसीब नहीं होती सिर्फ कुछ मेहनत कर लेने से ये बरकतें ये फ़ज़ाइल हासिल नहीं होते ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती इसके लिए बड़ी क़ुरबानियाँ देने की ज़रूरत है सिर्फ जानवर ज़बा करना मकसूद नहीं अपनी तमाम तर ख़्वाहिशात को जैसे इब्राहिम खलील आसमाम ने सब कुछ कुर्बान किया तब उन्हें वो फजीलत व मकाम अता अल्लाह ने नेता फ़रमाए नीयत ज़रूरी है हर इबादत के लिए ज़रूरी है वमा उमिरू इल्ला उलिया अबूदुल्ल लहुद्दीन सूरह ब्य नामी अल्लाह ने कहा सूर जुमर में भी फ़ाबुदिल्लाखिल सलिलुद्दीन बहुत सारे मकाम पर ये तो बुनियादी शर्त है अमाल की कबूलीत के लिए बुनियादी शर्त है अखलास का होना जो भी काम करें रब की रदा री करें उसके सही फ़वाद समरात उसके सही फ़ायदे उसकी फजीलतें उसी वक्त मिलेंगी जब हर काम हमारा हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए इसी तरह खालिश तोबा करें खालिश तौबा करें जो भी गुना हमसे हो चुके हैं वहाँ जाकर भी तोबा करता है वहाँ जाने से पहले हज उम्रा से पहले इबाद जो सबसे अहम है इबाद में उस वक्त तक तो माफ़ी नहीं है जब तक बंदे माफ़ ना करें वहाँ जाकर चक्कर लगाने से गुना माफ़ नहीं होते मुकम्मल कि वहाँ जाकर चक्कर लगा के यहाँ लोगों को चक्कर दें लोगों के हुकूक छीनें लोगों के माल हड़प कर लें और बहुत सारी बुराइयाँ जो आज हूक़ लिबाद में पाई जाती हैं और कुछ फजीलतें कुछ जन्नत की खुशखबरियाँ चंद छोटे छोटे अमाल या जो बड़े आमाल पर ख़ुशखबरियाँ दी गई लोग समझते हैं कि मुझे हासिल हो गई नहीं हरगिज़ नहीं हुकूक अल्लाह में अल्लाह चाहे तो अल्लाह माफ़ कर सकता है लेकिन हकूक़ लिबाद कभी माफ़ नहीं जब तक बंदे माफ़ ना करें वालिदैन माफ़ ना करें बीवी बच्चे माफ़ ना करें दोस्त अहबाब रिश्तेदार जब तक माफ़ ना करें हत्ता के जानवरों के हुकूक भी इस्लाम ने बताएं ये हकूक़ ऐसे ही माफ़ नहीं होंगे तोबा करना ज़रूरी है और तोबा के बुनियादी शरूत में आप जानते हैं बहुत सारे शुरूत हैं आखिरी शर्त जो इमाम नववी ने ज़िक्र की वो ये कि बंदों के हकूक़ भी किसी का माल खाया हड़प किया वापस कर दे या माफ़ी मांग लें किसी को सताया तकलीफ दी माफ़ी मांग ले उसके जो भी तलाफी हो सकती है कर ले जिंदगी में कबल इसके गेम कोई दिनार वरहम ना रहें मौका ना मिले पता नहीं ये सफ़र आखिरी सफ़र हो हमारा ये उम्र का सफ़र हज का सफर कहीं ऐसा ना हो आपस लौटने का मौका ना मिले अल्लाह चाहे तो अल्लाह माफ़ कर सकते हैं लेकिन बंदे जब तक माफ़ ना करें माफ़ी नहीं है इसी तरह एक अहम अदब जिसका जिक्रा ने किया है हलाल रोज़ी हलाल रोज़ी से हज करें अल्लाह जो बात प्यारे नबी सा की ज़बानी सही मुस्लिम की मशहूर रिवायत तवील रिवायत कहाँ शुरू के अल्फाज अबू हरे रद्ल जिसके रावि अल्ला इल्ला वयबा सिर हलाल को अल्लाह पसंद करते हैं और हलाल ही को अल्लाह कबूल करते हैं मुसलमानों को मोमिनों को अल्लाह ने वही हुम दिया जो अम्बिया कर राम को अल्लाह ने हलाल कमाने हलाल खाने का अल्लाह नेक्म दिया इस अजीम इबादत के लिए भी हलाल पैसा ज़रूरी है हराम से करेंगे अल्लाह कबूल नहीं फ़रमाए किताबत इसी तरह किताब्नत के मुताबिक जैसे मैंने कहा ख़ुद अन्नी मनासी कम कहकर मनासी का कम कहकर प्यारे नबी सास ने इसी तरह इशारा किया कि हम इस हज को इस अदीम इबादत को आज तो लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं लोग हज कमेटी में तो कम है ख़र्चा प्राइवेट जो हज करते हैं कितने लाखों रुपये जो है अब ये लॉकडाउन के बाद तो और महंगा हो गया है सीट मिलना ही मुश्किल है जगह मिलना ही मुश्किल है और इसमें भी जो है गलत चीज़ें कर रहे हैं लोग रिश्वत इसमें भी हो रही है बहुत घोटाले हो रहे हैं अल्लाह हर कस्म की ख़ता से अल्लाह हिफाजत फरमाए फरमाएँ मामिन नसीहतों के तौर पर बहुत सारी बातें इशारता चूँकि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है इशारता कुछ अहम बातें जिक्र करके मैं अपनी जगह लूँ सबसे पहले जैसे मैंने कहा कुछ बातें मुश्तरक हैं अक़ीदे की असलाह करना ज़रूरी है बहुत सारी बातें मैंने इशारतान कहा इससे पहले भी इशारा काफ़ी अकीदे की असलाह अम्बिया को डर था इब्राहिम ख़ली ने दुआएँ कि व जनुबनी वनीसलम और हमारे नबी सल्लासम को अपने आक़ीदे की फ़िक्र थी शिरक से अल्लाह ने अम्बिया को भी डराया कि अम्बिया भी अगर शिर करें अल्लाह ने कहा उनके तमाम आमाल बर्बाद हो जाए प्यारे नबी सासम को खसूसी ख़िताब करके अल्लाह ने सुर ज़ुमर में कि आप भी अगर शिर करें लइीन अशरकहबतःरीन इसीलिए प्यारे नबी नबीलम बड़ा अहतमाम करते थे इस सिलसिले में उम्मत की बड़ी फ़िक्र की अल्लाह के नबी नबीसम शिर के तमाम चोर दरवाज़े बंद किए प्यारे नबी नबीसम ने रब से दुआएं मांगी शिर के लिए भी दुआ मांगी अल्लाउ बिका नशिर का बिका बना आलम वस्त व फ़िर खलीमाल आलम सिर में इशारे कर रहा हूँ वक्त की क्लत की वजह से दूसरा जो अहम अहम चीज़ जैसे मैंने इशारा भी कर दिया इतबा सुन्नत का ख़्याल रखें प्यारे नबी सासम की इतबा साहबा के मनहज को लाजिम पकड़ें इसी तरह नमाज का खसूस एहतमाम मक् मुकर्रमा में जब तक क़याम रहें एक एक नमाज का एक एक लाख नमाज के बराबर अजर षवाब है बाजत पढ़ने की पूरी कोशिश करें कुछ लोगों को देखा गया इधर उधर की बातों में कारोबार में सैर तफरी में वो घूमने फिरने की जगह नहीं कुछ चीज़ें हैं देखें लेकिन नमाजों का खसूस एहतमाम अजीम मकसद के लिए इतने पैसे खर्च करके जाते हैं कोशिश करें कोई नमाज जमात से ना छूट पाए बात हम पढ़ें और जो है उस फजीलत को हासिल करने की कोशिश करें नवाफिल का भी अहतमाम करें तहजद का भी एहतमाम जितनी इबादतें नफली उसका भी अहतमाम करें इसी तरह जैसे मैंने इशारा किया इससे पहले ज़ाद राह लेकर कर जाएँ अहल अमन व तजवीना ख़ैर ज़ादी तखवा की तफसीर में बिन अब्बास रौदी अल्ला तलामा ने इशारा किया कि अहिल यमन जो है बग़ैर तोशा शाह राह के निकल जाते थे। तो अल्लाह ताला ने मना किया और कहते हमें अल्लाह पर भरोसा है अल्लाह पर तवक्कुल का माना ये नहीं कि हम इस्ब इख्तियार ना करें बल्कि इसबाब इख्तियार करना आयन तवक्कुल है उसबाब का इख्तियार करना आय तोवल है जितनी हम मेहनत कर सकते हैं कोशिश जैसे शेख महतरम ने भी उस्ताद मोहतरम ने इशारा किया कुछ अहम चीज़ों की तरफ कि ऐसे चीज़ें अपने साथ रखें ज़रूरी है ज़रूरी है किसी दूसरे पर भरोसा ना करें या ऐसी नौबत ना आए कि दूसरों के सामने हाथ जोड़ने या हाथ फैलाने की नौबत आए अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं हम खुद देने वाले बने दूसरों की मदद करने वाले बने इल्ला कि किसी का माल चोरी हो जाए गुम हो जाए अलग बात है अल्लाह सबके माल और दौलत की हिफाजत फरमाए इज़्ज़त आबरू जान की हिफाजत फ़रमाएँ आमीन इसी तरह हलाल जैसे मैंने इशारा किया हलाल रोज़ी की कोशिश करें हलाल माल से हज करें इसी तरह कोशिश करें वक्त हमारा ग़ैर ज़रूरी चीज़ों में ज़ाय ना हो होम मकसद पूरा टाइम टेबल हम अपना खुद से बना लें हज कमेटी वाले भी इशारा करते हैं भी नसीहतें करते हैं वहाँ भी आपको नसीहत करने वाले मिलेंगे तुल्लाब इल्म मिलेंगे खादिम मिलेंगे लेकिन सबसे पहले हमें हमारी इबादतों की और हमारे अवकात की ख़दरदानी के सिलसिले हमें फ़िक्र होना चाहिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए हम अपना टाइम टेबल बना लें यहाँ से निकलने से लेकर वापसी तक बल्कि पूरी ज़िंदगी जैसे मैंने कहा पूरी ज़िंदगी वक्त की पाबंदी करें वक्त की पाबंद अल्लाह हमें वक्त का पाबंद बनाएं अल्लाह मामीन इसी तरह हमारी शक्ल सूरत लिबास इस्लामी होना चाहिए इस्लामी होना चाहिए शक्लोसूरत हमारी मुसलमान की वो पहचान सकें मुसलमान हैं आम जिंदगी में पहचानना आज मुश्किल हो जाता है वहाँ भी जाकर शक्लो सूरत हमारी इस्लामी ना हो बड़े शर्म की बात है प्यारे नबी की सुन्नतों को पामाल करके वहाँ जाएँ वहाँ जाकर भी इन सुन्नतों को शक्लो सूरत को मैं इशारा कर रहा हूँ दाढ़ी के बारे में और दीगर जो पाबंदियाँ हैं ख्याल करें बंदों को खुश करने के लिए रब को नाराज़ नबी सा की सुन्नतों का जनाजा निकालते हैं अफसोस है अफसोस है कहीं ऐसा ना हो कि इनका मुनकरी ने सुन्नत कहलाएँ इनका रे मुनकर लाजिम आए या, 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 या मुनकर का मुनकर को देख कर भी या उसको ख़ुद जो है उसकी खिलाफ वर्जी करें ऐसी ऐसी हालत हमारी नहीं होना चाहिए एक सच्चे मुसलमान आइडियल मुसलमान की हालत ऐसी नहीं उसका शयार ऐसा नहीं होता उसका शेवा ऐसा नहीं होता इसी तरह बाज़ लोगों को देखा गया सोने की अंगूठी या सोने की चैन पहनते हैं सोना हराम है मुसलमान मर्दों के लिए सोना और रेशम हराम है जो बड़े बड़े मालदार होते हैं इस अदीम इबादत वहाँ जा कर भी ये हराम काम का इरतक करते, करते हैं इससे बचना चाहिए इसी तरह रियाकारी कारी जिसे मैंने इशारा किया अखलास उसका ज़िद यही रिया कारी है। दिखावे से बचें अलहाज लौट के आएँ तो अलहाज बड़ा लखब लगाते हैं कोई अगर ना भी बोले तो हाजी साहब ना बोले नाराज़ होते हैं अल्लाह के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर अमल करें हर अमल हमारा अल्लाह को राज़ी करने के लिए होना चाहिए इसी तरह देखिए इस्लाम की दीगर जो भी मुखालफतें हैं हराम काम हैं हराम उमूर हैं उन तमाम से बचने की कोशिश करें बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ हैं रबल मुझे और आपको तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को सही मानों में मकसद ज़िंदगी को समझते हुए रब शाही ज़िंदगी गुजारने की सदत नसी फरमाएँ अल्लाह मुकम्मल ज़िंदगी प्यारे नबी सा की इतबा आप की पैरवी और इसी तरह मनहज साहबा को पर को अपनाते हुए ज़िंदगी उजारने की तोफ़ी अल्लाह ता फ़रमाएँ अल्लाह तीमानी जज्बा व यकीन व तो फ़रमाएँ जो अल्लाह को मतलूब मकसूद हैं इसदीम शान इबादत के लिए जो लोग कोशिश में अल्लाह उनकी कोशिश कबूल फ़रमाएँ जो इस इस साल जा रहे हैं अल्लाह उनकी उनके सफ़र को आसान फ़रमाए इबादतों को क़बूल फ़रमाए ताला जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान पर ज़िंदा रखे ख़ातिमा हो तो ईमान की हालत में हो अल्लाह मरने के बाद कब्र के आदाब से बचाए की नेमतें अता फ़रमाए जहन्नम के आदाब से अल्लाह बचाए जन्नत में आला मक़ाम अरमाए अल्लाम अमीन अकूल हदवास्तवसलिमिनमबिन वफ़रू अनफ़ुररीम वखर उदादिल्ल रबालमिनकुम